मुझे लग रहा है कि जब दो आदमी मिलते हैं एक संयोग होता है, दैवीय संयोग होता है। परसों जब मैं आपसे मिला तो मुझे कुछ एक अच्छा सा एहसास आया, और मैंने बताया कि आपकी पूरा एक ताज है, आपके मुकुट है, जो नॉर्मल इंसान के नहीं होता, वो असाधारण प्रवृत्ति के असाधारण स्वभाव के लोग होते हैं, उनके होता है। तो जो मैं सोचा था कि जिस तरह का आपका लुक है उसमें जा नहीं रहा, तो मालूम पड़ेगा धीरे धीरे जब आपने निर्देशन दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निर्देशन था। मैंने बहुत निर्देशन लिए हैं लोगों के, क्योंकि कैटेगोरिकली एक कोई भी एक भी शब्द फालतू नहीं आया, एक भी शब्द फालतू नहीं आया, जो कि बहुत बड़ी प्रतिभा है अपने आप। सो वहीं से मैं एकदम इम्प्रेस हो गया। उसके बाद जो नरेशन का कंटेंट था, आपने कहा कि आपने लिखा है, तो मुझे मैं बिलीव नहीं कर पाया, क्योंकि एक पॉलिटिशियन और एक बहुत सारा सोना वोना पहनने वाला व्यक्ति इतना सृजनशील हो सकता है, उसकी उसकी थॉट प्रोसेस इतनी गहरी हो सकती है, मैं बिलीव नहीं कर पाया। सो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई, आश्चर्य भी हुआ। आज जब आपके साथ बैठा हूँ, आप ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, आप यजुर्वेद की बात कर रहे हैं, आप संस्कृत की बात कर रहे हैं, आप वेदोच्चार, आप श्रुतियों की बात कर रहे हैं, जो कि असाधारण है। और आपने कहा कि आपने संस्कृत कहीं पढ़ी नहीं, तो ये सब दैवीय है, ये सब गॉड गिफ्टेड है, गॉडली है, जो आपको पिछले जन्म से आया है और संचित है। लोगों संचित नहीं होता है, विस्मृत हो जाते हैं, संगीत है। सो ये सब चीजें एक असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति की होती हैं, जो आप में हैं, जो मैंने पाया है। सो मुझे लगता है कि हमारा साथ काफी आगे जाने वाला है, क्योंकि मेरे भी ये मेरे भी प्रवृत्ति कुछ इसी तरह की है, इसी राह पर है। ईश्वर करेगा हम काफी आगे जाएंगे। गोविंद नामदेव जी यांना आज मी या ठिकाणी भेटलो, आणि आपल्या प्रोजेक्टर पिक्चर साठी गोविंद नामदेव जी यांनी होकार दिलेला आहे, आणि मी सर्वांना विनंती करतो की आमच्या संबंधाला असंच सगळ्यांनी प्रेम करा, आणि लवकरच आम्ही गोविंद नामदेव जी यांच्या सोबत घेऊन येतोय प्रोजेक्टर द गँग ऑफ सिनेमा।